आज ये ऐतिहासिक धरती बूढ़ा जोहड़ गुरु महाराज के मंदिर के पावन प्रांगण में हम सभी लोग इस माघी अमावस्या के मेले के शुभारंभ हेतु गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जांभाणी हरि कथा में सुनने और सुनाने के लिए इस प्रांगण में एकत्र हुए हैं। ये भूमि बिश्नोई समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक स्थान रखती है और इस भूमि पर जितने भी गुरु महाराज की साथरियां हैं, मेले हैं, धाम हैं, उन सब में दिन विशेष को मेला लगता है और पिछले काफी समय से यहाँ के क्षेत्र के भक्तों की भी इच्छा थी कि एक विशेष दिन यहाँ भी मेला होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जगह है, गुरु महाराज का धाम है। और पीछे महासभा की कार्यकारिणी ने, समाज के समस्त वरिष्ठ लोगों ने मिलकर के इस बात पे सहमति जताई कि माघ की अमावस्या पे इस बूढ़ा जोड़ के क्षेत्र में मेला होना चाहिए और उस मेले की आज शुरुआत हो रही है, उसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेलों का हमारे समाज में बहुत बड़ा स्थान रहा है, हमारी संस्कृति मेलों की संस्कृति है। जागरण होता है, सत्संग होती है, कथा होती है, इन सबको मेले का ही नाम दिया गया है। साधे मोमणे कियो इलोच, आओ मिलो साधो मोमणो, रल मिल जुमलो होय, आओ मिलो, मिलने की बात कही है और मिलान करने का काम करता है मेला। और मेले में बैठ करके हम सब लोग एक दूसरे के भावों को जानते हैं, विचारों को जानते हैं। हालांकि वर्तमान में तो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व एक छोटे से गांव के रूप में परिणित हो गया है, लेकिन फिर भी जब तक फिजिकल डिस्टेंस रहती है तब तक हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ होते हैं। अब जो लोग घर बैठे भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक यहाँ आमने सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यहाँ बैठकर सुनने में जो आनंद होता है वो घर बैठ करके सुनने में नहीं मिल सकता। हालांकि वो मानसिक रूप से यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन जब तक शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होती है तब तक उस भाव की प्राप्ति नहीं होती है जो होनी चाहिए। तो मेलों में भी हमारे पुराने जमाने में जितने भी रिश्ते होते थे, संबंध होते थे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी वो सारी मेलों में ही होती थी। मेलों में समाज की पंच पंचायतियां होती थी, यदि कोई समाज के लिए अच्छा काम करता था उसको प्रोत्साहित किया जाता था और कोई लेफ्ट राइट हो जाता था तो उसको दंडित भी किया जाता था। ये मेलों के पास में ही सारी व्यवस्थाएं थी। मेलों में आकर के बच्चे सीखते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है, मेलों में आकर के बड़े बुजुर्ग सब में जो है एक दूसरे से सीखने की भाव, शिक्षा देने का एक उपक्रम मेला होता है। और गुरु महाराज भी मेला करने के लिए यहाँ पे आए। गुरु संतों ने लिखा, मेलो कर मोटा धनी गिण 33 ज्ञान। गुरु महाराज ने 33 कोटि जीवों का मेला किया, मेल मिलाया आपस में, मिलने जुलने का नाम मेला है। तो आज ये मेले की शुरुआत हो रही है और इस अवसर पे हम 7 दिवस पर्यंत गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज के समवर्ती परवर्ती संतों ने जो साहित्य सृजित किया है, पहले अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में देखने से पता चल जाता कि ये समाज कितना गौरवान्वित है, कितना अपने आप पे गर्व कर सकता है। तो हमारे सामने, हमारे पास में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने बड़ी परिश्रम करके, मेहनत करके विपुल साहित्य का संरक्षण किया, लेखन किया।
आज जहाँ पे पलक झपकते ही हजारों पृष्ठ जो है छपकर के तैयार हो जाते हैं, इंटरनेट पे सेव किए जा सकते हैं। जिस समय में कागज नहीं था, स्याही नहीं थी, पेन नहीं था, छापे खाने नहीं थे, उस समय भी पेड़ की छांव में बैठ बैठ करके ऋषियों ने, संतों ने वो बातें लिखी जो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने वाले, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो स्कॉलर और प्रोफेसर हैं, उनके जहन में भी वो बातें नहीं आती जो उन्होंने बड़ी सहजता के साथ में एक पेड़ की छांव में बैठ करके लिख दी थी। तो वो सारा जो हमारा साहित्य है उसके बारे में भी जो प्रसंगानुसार बातें आएंगी उन पे चर्चा करेंगे। और गुरु महाराज की वाणी जो वेदों की वाणी है, वेदों को ही ट्रांसलेट करके गुरु महाराज ने हमें मारवाड़ी में अपनी मायड़ भाषा में उपदेश देने का काम किया, ज्ञान देने का कार्य किया। यद्यपि शब्द अनंत कहे, अनंत शब्द सतगुरु कया वर्ष पिचासी जान, पर नाथे कंठ गया एता जो लिखिया वीन सुजान। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में अनंत शब्द कहे हैं, जो भी आया उसको उपदेश शब्दों के माध्यम से भगवान ने दिया है। लेकिन नाथो जी महाराज जो गुरु महाराज के पाठवी शिष्य थे, उनको 120 शब्द कंठस्थ रहे। ये वो शब्द हैं जो कोई विशेष परिस्थिति में या विशेष व्यक्तियों के लिए कहे गए, वो बातें उनको याद थी, कंठस्थ थी। उन्होंने विलो जी को कही और विलो जी ने इनको लिपिबद्ध करने का काम किया। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, हमारे क्षेत्र का बड़ा हो, जैसे स्टेट का कोई बड़ा होता है, देश के कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी दिन में हजारों लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन कई बार विशेष लोगों के साथ में जो मुलाकात होती है उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसको लोग याद भी रख लेते हैं कि उस समय उन दोनों का मिलन हुआ था। तो गुरु महाराज के पास में भी जो विशेष लोग आए और उनसे जो चर्चा हुई उनको संतों ने कंठस्थ रख लिया, उनकी स्मृति में था, और विलो जी महाराज ने शब्दों को लिखने का काम किया, जो 120 शब्दों के रूप में हमारे पास में एक अमूल्य धरोहर मौजूद है। और गुरु महाराज की वाणी दो चीजें सिखाती है, एक तो जुगति और एक मुक्ति। जुगति और मुक्ति दोनों शब्दों में अक्षर तो केवल कुल मिलाकर के 5 ही है, लेकिन इन 5 अक्षरों में समस्त जीवन का सार और पूरे जितने भी चराचर जगत के जीव जंतु है उनका जीवन इन दोनों अक्षरों के शब्दों के चारों ओर घूमता है। जुगति का मतलब है विधि, किस विधि से जीवन को जिया जाए। आपके पास में पैसे हैं, धन है, धन लेकर के आप 5,000 रुपए लेके बाजार में गए और एक हारमोनियम खरीद के ले आए, पेटी बाजा तो बाजार से खरीद लिया, लेकिन बजाने की कला जो है बाजार में बोल नहीं मिलती, उसको खरीद नहीं सकते कि भाई 5,000 और ले लो, सीखने वाली कला भी साथ में दे दो, नहीं, वो खुद को ही सीखनी पड़ती है। खुद सीखेंगे तब उंगलियां जो है उसके ऊपर चलेगी, बटनों के ऊपर। ठीक वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, उनके फलस्वरूप या भगवान की कृपा के फलस्वरूप हमें मानव तन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन इसको कैसे जीना है। जुबान भगवान ने दी है, लेकिन बोलने वाली कला खुद को विकसित करनी पड़ती है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। चाइना में रहने वाले चाइनीज भाषा बोलते हैं, हम जो है मारवाड़ी बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत पंजाबी में भी हाथ मार लेते हैं, और कोई पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो ये इस जुबान के साथ में नहीं आई है, ये हमने सीखी है। ऐसे ही जीवन जीने की कला भी हम सभी को सीखनी पड़ती है, और सीखने के लिए मानव जो है जब इसका जन्म होता है तब ये केवल और केवल मांस का पिंड मात्र होता है। यदि जन्म लेते ही बच्चे को ले जा करके इन हिरणों के साथ में छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी ना तो हमारी भाषा बोल पाएगा और ना ही हमारी भाषा समझ पाएगा। वो कब समझता है, जब माँ सिखाती है, परिवार सिखाता है, स्कूल कॉलेज में सीख करके आता है, तब जो है उसे भाषाओं का बोध होता है। आंखें जो है देख सकती है, लेकिन पढ़ना तब जानती है जब हमारे भीतर वो बातें उतरती है, अवतरित होती है।
इन बच्चों को पीछे बिठाओ, जिन जिन के बच्चे हैं सब अपने पास में रखो, और थारो नहीं हमड़े तो मन बुला दो, मैं कोई चेला बना लाई वास्त लहरी राखो। जकान चेला बनावना होवे बे तो आगू आवण दो, और जकान घरे राखना बे आप कने राख। तो आंखें हैं ये देखने का काम करती है, जुबान है ये बोलने के लिए है, लेकिन इनके अंदर बोलने की कला, देखने में क्या देखना है क्या पढ़ना है, ये हमारे अंदर विकसित करना पड़ता है। एक भाई साहब एक दिन डॉक्टर की दुकान में गए, वहां जाकर के आंखें चेक करवाने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी, शहर का नामी हॉस्पिटल था। डॉक्टर साहब जो आते हैं और आंखों के आगे एक शीशा लगाते हैं और सामने कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं। डॉक्टर पूछता है, भाई तुम्हें ये पढ़ने में आ रहा है? तब पेशेंट होता है वो कहता है थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है। तो एक नंबर और बढ़ाया, बोले अब कैसा है? अब की हावड़ दिखे। तो थोड़ा और लगाया, अब थोड़ो हावड़ है। जब एकदम करेक्ट लेंस आवे नहीं, जब हाँ अब एकदम बड़ा चढ़ूड़ दिखे, तो ठीक है तुम्हारी आंखों में ये चश्मा लगेगा। जब पढ़ने में एकदम आ जाता है, हाँ भर देता है कि हाँ अब मैं साफ साफ पढ़ सकता हूँ, तब डॉक्टर साहब चश्मा बना करके दे देते हैं। एक वो मेरी तरह थोड़ा कम पढ़ा लिखा अनपढ़ था, तो वो अंदर गया और जाकर के जैसे ही उसकी बारी आई, डॉक्टर साहब ने लेंस लगाया और कहा सामने वाला पढ़ने में आ रहा है, दिख रहा है? बोले नहीं समझ में आ रहा। एक और लगाया, बोले अब? बोले ना अब भी नहीं। जितने चश्मे के नंबर थे सारे लगा लिए, पूछा के भाई पढ़ो आयो को आयो नहीं? गे ना अजय तो को आयो नहीं। डॉक्टर पूछो पढ़ूड़ा हो को नहीं? गे ना अनपढ़ू। बोले तो के पढ़ने में आई भाई? बिंगे बाहों तो अगला ही करीका ही। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पढ़ना तो सीखना पड़ेगा ना, पहले आपने सीखा नहीं। बोले मैंने सोचा चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाता है, आप सबको यही पूछ रहे कि बोले पढ़ना आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मैंने सोचा चश्मे का नंबर बढ़ेगा और मैं पढ़ना सीख जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, पढ़ना सीखा हुआ तो अंदर ही होता है, आंखें तो केवल उनको देख करके चित्र प्रेषित करती है, अंदर ही जो भाषा सीखी हुई है ना उसको आप पढ़ लेते हो। सामने जो है देखो ये बैनर लगे हुए हैं कि पक्षियों के लिए दाना देना है 40 किलो है, गुड़ 15 किलो है डेली का लगता है, अजवाइन है 500 ग्राम, सौंप है 300 ग्राम, ये डेली के लिए, इन हिरणों के लिए चुगा दाना यदि आप कोई देना चाहो। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हो, यदि इसको चाइनीज भाषा में लिख दिया जाए तो चीज तो वही लिखी हुई है, तुम्हारी आंखें पढ़ थोड़ी सकती है, आंखों को दिख रहा है, लेकिन पढ़ाई तब होगी जब अंदर बात आएगी। तो अंदर वाला जो हृदय है इसको सिखाने के लिए बार बार इस धरती के ऊपर महापुरुषों का अवतार होता है, और भगवान इस संसार में आते हैं, कभी मनुष्यों के रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, जैसी धरती की जरूरत होती है उसी के अनुरूप परमात्मा अवतार लेकर के इस तरह धाम पर आते हैं। गुरु महाराज जांबू जी भी उसी परंपरा का निर्वाहन करते हुए इस मृत्यु लोक में अवतार लेकर के गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज ने अवतार लेकर के जो जो विशेष बातें कही, विशेष कार्य किए, उन सब बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज कथा का पहला दिवस है, तो हम थोड़ी अवतार के पहले की जो पृष्ठभूमि है, गुरु महाराज के आने के क्या कारण थे, भगवान ने वाणी में क्या बताए हैं, उन पे चर्चा करते हैं, और फिर गुरु महाराज के जीवन दर्शन की जो लीलाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चिंतन करेंगे। हम चलते हैं लोहावट की साथरी, जोधपुर जिले में एक तहसील पड़ती है।